यहाँ पे फूलों की जो सजावट है वो करते थे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, इसलिए आज वो आ नहीं सके और लोग रुके हुए हैं, सब उन्हीं के लिए रुके। मैं सबको जा के वही बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएंगे, लेकिन भगवान की दया से जल्दी ठीक होंगे। ऐसी कोई सीरियस चीज़ नहीं है, लेकिन इन दिनों जो एक टोटल क्लाइमेट है उसकी वजह से बार बार मतलब बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, फिर से बीमार होते हैं, तो वैसी एक बात है, बस और कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली यही दिन थोड़ा इंटेंस था तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे। मैं चाहता था कि अगर यहाँ नहीं तो शायद मेरे ख्याल से थोड़े आगे कहीं तो वो ज्वाइन हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी अब भी उनसे बात हुई तो नहीं हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। नहीं, सभी चीज़ें वो करते हैं, और यहाँ पे मेरे चाचा जी के बेटे हैं, मेरी चाचा जी के बेटियाँ हैं, तो वो सभी हेल्प करते हैं, प्लस और रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सभी करते हैं, तो ऐसे कोई प्रेशर की बात नहीं है, सभी हो जाता है। फर्स्ट टाइम मिस तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दया से सब जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इतनी बात है, आज रास्ते में लोग होंगे, उनकी राह ताकेंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होंगे, तो मैं चाहता था कि एक पहले कुछ अनाउंसमेंट हो जाए ताकि लोगों को पता चले कि वो नहीं है, ताकि बहुत आस लगा के लोग खड़े होते देखते रहते हैं, हाँ बिल्डिंग से देखते रहते हैं, हर जगह से देखते रहो, उनको वो दिखेंगे नहीं, साल भर के रुके हुए होते हैं, तो इसलिए उतनी बात है। लेकिन मैं लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, और जो प्यार मैं देखता हूँ लोगों के बीच में, जो अभी भी लोग आए हैं यहाँ पर, तो मैं बस इतना ही, जो आज तक प्यार उनको मिला है, अभी मिल रहा है, ये ऐसे ही बरकरार रहे, और ये इस सारी भावना के लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ, और मैं आई एम इंडेप्टेड, आई एम जेन्युइनली मी ऋणी आहे आणि मी उपकृत आहे तुम्हा सगळ्यांचा, की तुम्ही इतना प्यार करते नाना साहब पे, तो हम सभी एक सारी दुनिया को एक एक्सटेंडेड जो एक फॅमिली समझ के चलते हैं, और जो पूर्वजों ने कहा है कि हे विश्वची माझे घर, तो वैसी एक फीलिंग है, ये दुनिया को घर मान के चलते और सभी फैमिली मेम्बर, और जिस तरीके से सामने से लोग प्यार करते हैं उसी तरीके से हम सबसे प्यार करते हैं, और मैं जेन्युइनली सभी का उपकृत हूँ और ऋणी हूँ और इंडेप्टेड हूँ, जो भी नाना साहब के लिए इतना एक ये फीलिंग और ये भावना रखता है, और जेन्युइनली और ऐसे यही प्यार बरकरार है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मला
आगे बढ़ा।